साई, इसमें तो लकड़ी का टुकड़ा है और फिर भी तुम्हारा काम बन गया और ज्यादा अच्छे से बन गया। बैठो। मतलब तुम्हारे साथ अच्छा होने के लिए कोयला नहीं, तुम्हारा विश्वास जरूरी है, तुम्हारी आस्था जरूरी है। कोयला हो या लकड़ी, काम उन्होंने नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास ने कर दिखाया है। लेकिन यह विश्वास, आस्था एक बात है, निर्भरता एक बात है। जब हम किसी एक वस्तु पर इतना निर्भर होने लगे कि उसके बिना हमारा आत्मविश्वास बन ही ना पाए, उसके बिना हम आत्मनिर्भर होना भूल ही जाएं, तो ये अंधविश्वास कहलाता है। खुद देखो, तुम पहले एक साधारण कोयले पे निर्भर थे, अब तुम्हें लगा कि मैंने आशीर्वाद के रूप में कोयला दिया है तो तुम्हारा काम और भी अच्छा हुआ, निर्भरता की सूची बढ़ने लगी, इतनी कि जब मैंने तावीज लौटाने को कहा तो तुम्हारे मन में डर बैठ गया कि कल को तुम सफल हो पाओगे या नहीं। अंधविश्वासों को अगर तर्क से रोका ना जाए तो ये रोग बन जाते हैं। अगर विश्वास करना है तो अपनी काबिलियत पर करो, अपनी मेहनत पर, अपनी मंशा पर करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही बल्लभ, और साथ में कोयला क्यों ना, तुम्हें उनका सामना अपने सामर्थ्य से ही करना होगा। जितना तुम कठिनाइयों से लड़ोगे तुम्हें उतना ही आत्मविश्वास भी होगा, तब तुम केवल अपने पे आश्रित रहना सीख जाओगे। सच कहा साई, मैं भी कितना मूर्ख हूं, आपके होते हुए मैंने कोयले पे विश्वास किया। जहां आप है वहां अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं। मैं उम्मीद करता हूं बल्लभ, जिस तरह तुमने अपने अंधविश्वासों पर जीत पाई, बाकी लोग भी जीत पाए। अल्लाह मालिक। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी कुछ तो भूल रही हूँ। ये कलश लेकर अभी आ जाएंगे, गुरुजी तो पहले ही पधार चुके हैं। गलती से भी कुछ रह गया तो अनर्थ हो जाएगा। सावित्री काकी। हाँ, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ले आऊंगी। पूर्णा, वही तो याद नहीं आ रहा। मैं अभी आई। पूर्णा, अरे कहाँ गई ये लड़की? इसके मन में कब क्या चलता है ये तो मैं भी नहीं समझ पाया बहनी। हाँ
ये लीजिए, मैं पानी लेकर आई हूँ। मैंने देखा आपके यहाँ पानी खत्म हो गया था ना, तो मैं पड़ोस से पानी लेके आई। पानी? यही तो मैं भूल रही थी। सबके आने के बाद पैर धोने के लिए और पीने के लिए भी तो पानी लगेगा। साई कहते हैं कि लोगों की मदद करना हमारा फर्ज होता है। कौन कहते हैं? सावित्री, हो गया कलश पूजन? हाँ। चलिए पहले पैर धो लेते हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। गुरुजी जी, वो घर की चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। गुरुजी को वो विधवा औरत वाली बात कैसे बताऊं? शास्त्रों का उल्लंघन कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसे एक कोड़ी और ज्यादा नहीं दूंगी। अब जल्दी से ये फल थैली में डाल दो, मुझे लौटना भी है। भिक्षाम देही। ये कैसा फकीर है जो इस टूटे फूटे घर से भिक्षा मांग रहा है? घर देख के तो लग रहा है यहां खुद भिखारी रहते होंगे। साईं, साईं। राम जी भला करें। आप हमारे घर? हाँ भाव, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? जी देखता हूं साईं। जल्दी करो। माफ करना, यही एक केला बचा है। ये भी थोड़ा खराब हो गया है और कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ? ये मेरे लिए काफी है। ला दो। ये लेकिन ये तो आपके खाने लायक नहीं है। इसका निर्णय तो मैं करूंगा ना। ला दो मुझे। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। मेरा बेटा 6 महीने से नगर जाकर नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली और इधर मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं और अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मजबूरी में आकर मुझे खंडोबाजी के मंदिर के बाहर भीख न मांगनी पड़े।
इस फल के लिए आभारी हूं। राम जी भला करें। लेकिन भाव, अब आप क्या खाएंगे? इसे खाकर भी कौन सी तृप्ति मिल जाती? कम से कम अपनों भिक्षा दे पाने की खुशी से मन को ही तृप्त कर लेता हूं। तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भगवान करे आपके बेटे को उसकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाए। मुझे तो ये फकीर पागल लगता है कोई। बाबा, बाबा, बेटा, तू आ गया? हाँ बाबा, और मुझे नौकरी मिल गई। ये देखिए चिट्ठी, दफ्तर वाले रहने का घर भी देंगे और अब से हम दोनों वहीं रहेंगे। ये क्या हालत हो गई है आपकी? सब मेरे कारण। लेकिन अब सब अच्छा होगा, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। बाबा, इस नौकरी के लिए इतने उम्मीदवार थे, लेकिन ये नौकरी मुझे मिली है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा चलिए, पहले कुछ खा लीजिए। देखिए मैं आपके लिए कितने सारे केले लाया हूँ। भगवान करे आपके बेटे को उसकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल लेकर उनकी झोली भर दी थी, उसी तरह आपने भी मेरी झोली भर दी साईं। ओम साई राम, ओम साई राम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो चिंता हो रही थी कहीं मुहूर्त से पहले तुम ना पहुंचे तो क्या होगा। गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरी जीवन की सफलता है। मैंने इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया है। नहीं तो यहां का वातावरण तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट लाता। मुझे गुरु जी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। गुरु तो विनम्र होते हैं, साई की तरह, आलसापति काका की तरह, श्रीकांत अध्यापक जी की तरह। गुरु तो डर दूर करते हैं, पर ये तो उल्टा डरा रहे हैं। ऐसे कोई शिष्य क्या सीखेगा बाबा? यहाँ हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। शांत रहे बेटा,
मुहूर्त का समय हो चुका है, अब गृह प्रवेश करते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा मोहन, उसे तो आने देते। समय सबसे बलवान, समय का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर समय और संबंध में कोई एक चुनना हो तो समय को ही चुनना। और अभी समय है गृह प्रवेश, तो अभी कर लो या 7 महीने प्रतीक्षा कर लो। जितना आज का मुहूर्त शुभ है उतना इस पूरे वर्ष में मुहूर्त नहीं होगा। दुखी किस लिए हो रहे हो? तुम्हारा पुत्र वैसे भी इन बातों को नहीं मानता। वो ना समझ है गुरुजी। अच्छा, इतना ना समझ है कि पिता की सारी बातें मानता है सिर्फ इस बात को छोड़कर। समय नष्ट मत करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ठीक। हम जो गंगाधर जी और सावित्री काकी को जानते भी नहीं है, हमें तो दिख रहा है कि वो जिस बेटे के साथ यहाँ रहने आए हैं उसके बिना गृह प्रवेश करने में उन्हें जरा भी खुशी नहीं है। लेकिन जो इनके गुरु है उन्हें इसकी कोई नहीं पड़ी है, बस ज्ञान दिए जा रहे हैं। शांत रह बेटा। रुको, मैंने इस द्वार पर नींबू मिर्ची लगाने को कहा था, ये आम के पत्ते किस बेवकूफ ने लगाए? जी मैंने लगाया है। जैसे गृह प्रवेश के लिए सभी के घर सजाए हैं और लोग तो इन्हें मंगल सूचक भी मानते हैं। जब संस्कार समझ में नहीं आते तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। मंगल तो तब होगा जब किसी की कुदृष्टि ना पड़े। तेरी बेटी है? जी गुरुजी। तू तो समझदार होगा, तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने इतना बड़ा घर खरीदा है, इतना खुशहाल परिवार है। अरे लोगों को तो इन्हें देखकर जलन होगी। नींबू मिर्च घर को इसी नजरों से बचाता है। माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं अभी ले आता हूँ। पर क्यों बाबा? ये जो हमारी शिरडी है ना, यहाँ के लोगों का दिल बहुत साफ है, कोई किसी से नहीं जलता। और साई भी कहते हैं ये नजर लगना वगैरह सब अंधविश्वास है, मन का वहम है ये सब। अबोध, पानी पे नियंत्रण नहीं है क्या तेरा? क्या कहना चाहते? वर्षों से जो लोग नींबू मिर्ची टांगते आए हैं वो बेवकूफ है। उत्तर दे बेटी। तू ना? नहीं, इसने प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर सुन के रहूंगा। लोग बेशक नींबू मिर्ची टांगते हैं, लेकिन साय का कहना है कि उसके पीछे एक वजह है। नींबू खट्टा और मिर्ची तीखी होती है। ये खट्टे होते हैं, इन्हें दरवाजे पर टांगने से हवा के साथ साथ इनकी सुगंध अंदर आती है, जिससे कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते। नजर लगने या ना लगने से इसका कोई संबंध नहीं है। और ये तो नया घर है, इसलिए यहाँ कीड़े मकोड़े होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये कल की लड़की मुझे सिखाएगी गंगाधर। तुमने मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहां बुलाया था? ठीक है, मान लो इस लड़की की बात, लेकिन एक बात समझ लो, कल को नजर लग गई, घर पे कोई संकट आ गया, मेरे पास सहायता की भीख मांगने मत आना। नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। इस शुभ अवसर पर आप
आप क्रोधित ना, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप नींबू मिर्ची चाहते हैं ना, वही लगेगा। हाँ, कृपा करके आप शांत हो जाइए। तो गृह प्रवेश का कार्य तब तक के लिए स्थगित करता हूं। ये मंगल कार्य आज नहीं हो सकता, और इस लड़की को अभी घर से बाहर करो, क्योंकि इसकी मुक्तापुर चतुराई के कारण आज ये शुभ कार्य टालना पड़ रहा है। गृह प्रवेश अभी इसी वक्त होगा। मैंने सब कुछ सुना बाबा, ये लड़की सही तो कह रही है। मैं खुद इन बातों पे यकीन नहीं करता, और जहां ऐसे अंधविश्वास अच्छे कामों में बाधा बने, वो काम जरूर पूरा करना चाहिए। वरना हमेशा अंधविश्वास ही विजय होते रहेंगे। कैसा बेटा है तू, पिता की कोई चिंता ही नहीं? अपना अहंकार ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। भगवान से डर, भगवान से। ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान से डरना चाहिए? मैंने तो आज तक यही पढ़ा है कि भगवान करुणा और क्षमाशीलता से भरे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं। साई भी कहते हैं कि हमें ईश्वर से डरना नहीं चाहिए, उन्हें अपना समझना चाहिए। सही कहा तुमने, लेकिन यही बात ये गुरुजी आई बाबा को कभी नहीं समझाएंगे, क्योंकि जिस दिन आई बाबा का डर खत्म हो गया, उस दिन गुरुजी की दुकान बंद हो जाएगी। पिछले 7 सालों से आई बाबा को उल्टे सीधे नियम बताकर डरा रहे, उन्हें झूठ मूठ के ग्रह नक्षत्रों और अंधश्रद्धाओं में उलझा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं यदि बाबा ने इन्हें त्याग दिया तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इनके हाथ से निकल जाएगी। सही कहा ना गुरुजी? बदतमीज, तुझे मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। गुरुजी, यदि चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें यहां भस्म कर सकता हूं। कोशिश तो करके देखिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि मैं भस्म कैसे होता हूं। क्या कर रहा है मोहन, चुप हो जाना, गुरुजी हो हमारे। बाबा, मैं ऐसे पाखंडी गुरुओं को बिल्कुल भी नहीं मानता। नहीं मानता है, ठीक है, मैं इसी समय तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रहा हूं।
जिस घर में गुरु का अपमान होता हो उस घर में भगवान की कृपा दृष्टि कभी नहीं होती। स्मरण रखना। गुरुजी, गुरुजी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे शुभ अवसर पर हमें अकेला छोड़कर मत जाइए गुरुजी। ये तो नई पीढ़ी है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं समझाऊंगा ना उसे। ठीक है बाबा, अब जब समझ जाऊंगा तभी आपके पास वापस आऊंगा। मोहन, आप रहिए इस घर में, मैं जा रहा हूं। कहीं और रह लूंगा मैं। मोहन कहाँ जाएगा? हाँ, वो भी हमें छोड़कर। गुरुजी, आपके पास तो हर समस्या का समाधान है, क्या इसका कोई उपाय नहीं आपके पास? ठीक, तुम्हारा बेटा गर्म खून है, इसे अभी समझाने से कोई लाभ नहीं होगा। गंगाधर, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए इस गृह प्रवेश की अनुमति देता हूं। किंतु इसके बाद जो मैं कहूंगा वो प्राश्चित तुम्हें करना होगा। जी गुरुजी, मैं वचन देता हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्या अभी शुभ मुहूर्त निकलने से पहले गृह प्रवेश कर सकते हैं? चलो। अच्छा बेटा, साईं ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन काफी देर से सड़क पर बैठकर इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार तुम बात करो। नहीं, तुम पूछो। साईं, आप ऐसे सड़क के बीच में क्यों बैठे हैं? और ये आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। साई, इस पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है इसमें? पता नहीं, लेकिन इसमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। हम समझे नहीं साई। मतलब ये पत्थर यहाँ रास्ते के बीचों बीच है, लेकिन फिर भी कोई इसे यहाँ से हटा नहीं रहा। ऐसा तो तभी होता है जब किसी पत्थर में देवता वास करते हैं। काहे का देवता साई? इस पत्थर से तो किसी को भी असुविधा के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन फिर भी इसे यहां से हटाने की जरूरत किसी ने महसूस नहीं की। पर साई, ये बुरी तरह धसा हुआ है, देखिए ना, आधा जमीन में है, इसे निकालना मुश्किल है। रास्ता हो या जीवन, बाधाएं दूर नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? साईं, ये बहुत भारी है, अकेले निकालना मुश्किल होगा। जो पहले से जड़े जमाए बैठा हो उसे हटाना मुश्किल तो होता है, लेकिन किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी ही होगी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.